हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरोज। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज के किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आलू की पराठे की रेसिपी। जैसे कि आपको मालूम है, सर्दियों का मौसम चालू हो गया है तो पराठे तो बनते ही हैं इसमें। तो आज मैं आपके साथ दो तरीके से पराठा बनाना शेयर करूँगी, और डबल लेयर वाली बनाना बहुत ही आसान है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आलू लिया है, जिसे मैंने पहले ही उबाल लिया था और छील लिया था, छील के इसके ऊपर के। अब इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मैश कर ले, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर अच्छे से हम आलू को मैश कर लेंगे। यहाँ पर सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। हम क्या करेंगे, आप चाहें तो अपने हाथों से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ज़्यादा ले, इसमें अच्छा लगता है। आप चाहें तो यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ अदरक भी ले सकते हैं। नीम डाल देंगे हम, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिला लिया। यहीं पर डाल देंगे हम एक चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला ले सकते हैं, पर ध्यान रहे चाट मसाले में थोड़ा नमक होता है, तब नमक कम ही यूज करें पहले। यहाँ अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। यहाँ पर ये जो फिलिंग है तैयार हो चुका है। अब इसके लिए हम सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। इसी में मैं डाल दूंगी 1 छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे, क्योंकि तो मेरा जो आटा है थोड़ा सॉफ्ट बने। इसको अच्छे से मिला लेंगे अपने नमक और तेल आटे के साथ। अच्छे से मिलाने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाएंगे। पानी एक बार ना डाले, थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसका एक नरम डो बनाएंगे। ध्यान रहे आप इसका जो आटा है टाइट ना बनाए, एकदम नरम डो बनाए, जो हम घर में रोटी के लिए डो बनाते हैं वैसा टाइट आटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो आटा है डो बन चुका है। इसको अच्छे से हम मस लेंगे, जब तक हमारा आटा जो है थोड़ा मुलायम ना हो जाए और दिखने में चिकना ना लगने लगे। देखिए अब हमारा जो आटा है कितना दिखने में सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल और एक बार इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, ताकि हमारा जो आटा है थोड़ा नरम हो जाए। तो देखिए हमारे यहाँ पे आटा तैयार हो चुका है। अब इसे रखेंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। जब हमारा 10 से 15 मिनट हो चुका है, एक बार और इसे हम मिला लेंगे। यहाँ मैंने चकला और बेलन लिया है, अपनी फिलिंग भी ले लिया है मैंने, थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लिया है। अब छोटी छोटी हम लोई बनाकर तैयार करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। सबसे पहले इसको हम बेल लेंगे, जिसे आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से बेला है। आज मैं आपके साथ डबल लेयर वाली पराठा बनाऊंगी। आप बहुत ही आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर रोटी के आधे साइड हम फिलिंग भर देंगे अपना, आधा साइड खाली रखेंगे और ऊपर से इसको हम कवर करेंगे। फिर कवर करने के बाद इसमें हम आधा साइड जो है फिलिंग भरेंगे। आप चाहें यहाँ ना भर सक, अगर आपको नहीं भरना है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डबल लेयर वाली बनाई है इसके लिए मैंने भरा है। अब इसको हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर चपटा करेंगे और बेलन की मदद से हल्के हाथ से बेल लेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पर जो पराठा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। गैस पे मैंने पैन रखा है, उसमें हम डालेंगे अपना पराठा जो मैंने बेल के रखा था। इसको अच्छे से हम सिकने देंगे एक साइड से,
ये हमारा पराठा जो है सेट चुका है, इसे हम पलट देंगे। अब नीचे की साइड भी अच्छे से सिकने देंगे जब तक कि पराठा जो है जैसे सिक न जाए। जैसे हमारा पराठा नीचे सिक जाएगा, ऊपर फिर घी लगाकर हम पलट देंगे। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, पर पराठे में घी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इसको लटते पलटते हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। हमारा यहाँ पे पिनकोन पराठा बन के तैयार है। चलिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, जिसे हम बहुत ही पहले से बनाते आते हैं, तो सब बनाते हैं। फिर से एक छोटी सी लोई लेंगे और इसको हम हल्का से बेलेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे। अब इसमें अपनी हम फिलिंग भरेंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो फिलिंग थोड़ा कम ही भरें। उसको अंदर की तरफ दबाते हुए हम ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि अच्छे से मसाले जो हैं अंदर चले जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको हम सूखा आटा लेंगे फिर से और प्रेस करेंगे, फिर हल्के हाथ से इसको हम बेलेंगे। ध्यान रहे इसको ज़्यादा तेज ना बेले, एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि पराठे जो है जल्दी फटे ना। तो देखिए मैंने यहाँ पराठा को बेल कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसे भी हम सेक लेंगे। जैसे एक साइड हमारा पराठा जो है सिक जाए, इसको हम पलट देंगे। बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई नहीं बन रहा है तब क्या करें कि दो रोटियां बेल लें पतली पतली, और एक रोटी में फिलिंग भर के और दूसरी रोटी से कवर करके आप ऐसे भी पराठा बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर किया है, आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर मेरे पराठे जो हैं अच्छे से सीख चुके हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इसको पलटते पलटते अच्छे से हम सेक लेंगे। यहाँ पर मेरा दूसरा पराठा भी तैयार है। तैयार है हमारे यहाँ पे बहुत ही चटपटा आलू का पराठा। आप इसको दही के साथ सर्व करें या अचार के साथ, सबके साथ अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ दही के साथ और टमाटो के चटनी के साथ सर्व किया है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा पराठा जो है दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अंदर तक जो फिलिंग है ज़्यादा भरी हुई है। यह हमारा दूसरा वाला भी पराठा तैयार है, आप देख सकते हैं दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।